मेरे बेटा है यूके में, उसका ड्राइविंग का लाइसेंस पर उसने पेमेंट जमा की हुई थी। वो ड्राइविंग टेस्ट था उसका, अचानक ही पहले काफी टाइम उसका ये नहीं आ रहा था, डेट नहीं आ रही थी। फिर लास्ट में उसकी डेट आई, जिसमें उन्होंने बिल्कुल उसको टाइम नहीं दिया। रात के 1 बजे उसको मैसेज आया कि आपका सुबह 6 बजे ड्राइविंग टेस्ट है, आपने आना ये है। यूके में ही हो सकता है, रात को 1 बजे मैसेज कर रहे, सुबह 6 बजे टेस्ट है। हाँ जी बोले। हाँ जी, तो मेरे बेटे ने काफी दिनों से ड्राइव नहीं किया आत्मा था, तो वो कहना था कि मुझे बड़ा, मैं गया, मैंने अपने फ्रेंड को बोला, वो आया, उसने मुझे थोड़ी सी ड्राइविंग की। फिर मैं सुबह जब वहां पे गया, मुझे रात को उसने मैसेज डाला, और सुबह जब मैंने अपने मैसेज पढ़ा, मैं थोड़ी लेट उठी, मुझे पढ़ना नहीं था, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मेरे लिए कुछ पढ़ाई कर दें या मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैंने जब मैसेज देखा तो मैंने पढ़ना नहीं था, मैंने उसी टाइम मुझे याद आया, मैंने दुआ तो जो पोस्ट खोली वहां पे मैंने आप कमेंट किया पोस्ट की 3-4 मरतबा। और फिर 2 घंटे के बाद मेरे बेटे ने मुझे कॉल की कि जो है उसके साथ भी 3 लड़के थे जो टेस्ट दे रहे थे, उसमें से 2 लड़के जो फेल हो गए थे और मेरे बेटे का टेस्ट पास हो गया था। जब बात है दुआ और तवज्जो की पोस्ट, अभी थोड़ी देर मैंने कहा था ना कि वजीफ़ा करने से पहले मैं तवज्जो की पोस्ट खोल के रन इट डाउन और फिर वजीफ़ा करता हूँ, ये होता है।